नमस्कार, मैं सीमा पाल, पीसीएबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपसे किस प्रकार से गुलाब जामुन बनते हैं इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम आपको किस प्रकार से गुलगुले बनते हैं इस बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति गुलाब जामुन गुलगुले बना सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम या तो पानी लेंगे, हमने यहाँ पर गर्म पानी लिया है। गर्म पानी में इसलिए लिया है ताकि इजीली इसमें चीनी अच्छे से घुल जाए, या फिर अगर आपका सुबह से ही प्रोग्राम है कि हमें शाम को या दोपहर में गुलगुले बनाने हैं तो आप पहले से ही चीनी को भिगो के रख सकते हैं। कुछ लोग इसे गुड़ के भी बनाते हैं, यहाँ पर हम चीनी के द्वारा बता रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठा कितना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर दो बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ और इसे हम कुछ समय के लिए चम्मच की सहायता से ही घोल लेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर देंगे तो ये अच्छे से घुल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसे गैस पर थोड़ी सी देर के लिए गर्म कर लीजिए, लेकिन हमने यहाँ पर पहले पानी गर्म कर लिया तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम थोड़ी देर बाद के लिए इसको रख देते हैं। यहाँ पर अब ये पानी ठंडा हो गया है, इसके अंदर हम सौंफ डालेंगे और ये इलायची के हमने बीज को थोड़ा सा कूट कर पीस कर डाल रखा है, इसको डालेंगे। फिर हमने यहाँ पर एक बाउल पानी लिया है, तो एक बाउल हम आटा ले रहे हैं और आवश्यकता अनुसार हम अगर पानी या आटा हमें डालना होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे और इसे हम कुछ समय तक अच्छे से चलाएंगे। इस प्रकार हम इसे कंटिन्यू कुछ देर के लिए घुमाएंगे या बीटर की सहायता से इसे बीट करते रहेंगे कुछ देर तक, और इसे फिर कम से कम आधा घंटा आपको रखना है। या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया है कि आपको अगर सुबह बनाने हैं तो शाम को करके रख सकते हैं, या शाम को बनाने हैं तो दोपहर में इसका पेस्ट ये तैयार करके रख सकते हैं। कुछ लोग इसमें खाने का मीठा सोडा जिसे बोलते हैं वो भी चुटकी भर डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं डाल रहे क्योंकि उसमें इसकी वजह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो एक बार के लिए, आप जैसे किसी फंक्शन के लिए बना रहे हो, जैसे शादी में काफ़ी यूज होते हैं इनके, शादी की छोटे छोटे फंक्शन में गुलगुले बनाए जाते हैं, तो उसमें उसके लिए कर रहे हो तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा डाल सकते हो। अगर अपने लिए खाने के लिए कर रहे हो तो आपको मीठा सोडा ना डाले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद फिर आप गैस चलाकर कढ़ाई को रख लेंगे। फिर हमें वही चेक करना है कि इसके अंदर पानी तो नहीं है, या फिर मतलब कढ़ाई आपकी गर्म हुई है नहीं, तो अगर भाप उड़ने लगती है इसी तरह से चेक करना है। वैसे हमारे इसमें कढ़ाई में कोई पानी नहीं है तो हम इसमें सीधे डालें। इसके बाद आप थोड़ी देरी से गैस पे रखेंगे ऑयल को, और उसके बाद आप थोड़ी सी खुशबू से या फिर हल्का सा जो भी कुछ आप बना रहे हैं उसको इसके अंदर डाल के, तो इस प्रकार ये हमारा तेल हो गया है। हम इस गुलगुले बनाने स्टार्ट करते हैं। डीप फ्राई करने की तकनीक मैंने पहले ही बताया है कि हम चार या पांच से ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर हम चम्मच का यूज कर रहे हैं क्योंकि चम्मच छः से सात इंच की इसकी लंबाई होती है, तो कढ़ाई से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का हाथ इतनी दूरी पर रहेगा। हम सबसे पहले ऊपर की साइड में डालेंगे, फिर राइट साइड में, नीचे की साइड, इसके बाद लेफ्ट साइड में, या और एक बीच में डाल सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पांच डालना है। इस तरह से ही आपको हाथ चलाना है, अप डाउन राइट और लेफ्ट। फिर खुशबू आने पर हमें इसकी साइड चेंज करनी है, फिर इसके बाद हमें उनकी साइड चेंज कर दें।
वैसे आप चाहो तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है। आपके लिए स्पून ही सबसे अच्छा है, अच्छा तरीका है। अब आप या तो खुशबू से महसूस करिए या थोड़ी अपना टाइम को मेजर करते जाइए, एक ही हीट पे कितना टाइम लग रहा है। तो अब हमारे गुलगुले खुशबू भी आ रही है और जैसे कि हम देख सकते हैं तो देखने से समझ में आ रहा है कि बन गए हैं। और एक दृष्टि बाधित व्यक्ति को अपनी मतलब स्मेल के द्वारा ही इसको पहचानना है कि बन गए हैं या नहीं। फिर कढ़ाई की दीवार से टच करते हुए जैसे हमने गुलाब जामुन निकाले थे, हमें निकालने हैं गुलगुले भी। और एक साइड की जगह हमें फ्री करनी है और अपनी थाली को टच करते हुए रखेंगे ताकि इसमें भी हम अच्छे से निकाल लें। इस प्रकार हम बाकी के गुलगुले भी तैयार कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा हीट पे जरूर ध्यान रखना। अगर आपको लगता है हीट तेज है या हमारा ऑयल अधिक गर्म हो रहा है तो उसको आप अच्छे से थोड़ा सा हीट को कम कर लीजिए या मीडियम हीट पे रखिए। और फिर से हम बता रहे हैं कि 4 या 5 से अधिक नहीं डालने हैं। इसका रीजन ये होता है कि ताकि आप इजीली इसकी साइड चेंज कर पाए। एक साइटेड पर्सन जहाँ जहाँ उसे ऑयल फ्री दिखाई देता है कि हाँ भाई यहाँ पर ऑयल नहीं, ऑयल है यहाँ से खाली है, तो वो डालता जाता है ताकि वो देख के आराम से उसको साइड चेंज कर लेता है। लेकिन एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। उसे मतलब कोई ना कोई ऐसा गुलगुला या पकौड़ी या कुछ ऐसा रह जाएगा कि जो बिना पलटे रह जाएगा, इसलिए कम डालेंगे तो ईजीली पलट लेंगे। हमारे इस प्रकार हमारे गुलगुले बनकर तैयार हो गए हैं। हम इसे निकालेंगे दूसरी थाली। थाली को बिल्कुल पास में रखना है या आप अलग से एक बर्तन, आपको लग रहा है कि ये गर्म हो गई है तो आप एक छोटी प्लेट का भी यूज कर सकते हैं। आप इसे कढ़ाई से टच करेंगे और इसमें निकाल लेंगे। बस इससे इसकी कढ़ाई की दीवार से टच करते ही निकालना है। फिर जिस बर्तन में आपको रखने हैं और इधर आप गैस को अच्छे से बंद कर देंगे। आप ऊपर से भी करेंगे और रेगुलेटर पर से भी गैस को बंद करेंगे। इस प्रकार हमारे गुलगुले बनकर तैयार हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई चर्चा करते हुए। धन्यवाद।